मेरा आज का ट्रेड सीमेंट्स पे रहेगा। देखें तो हमें नीचे से अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है। करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट 3-4 डेज से कॉन्सेंट्रेट भी हो रहा है। आज वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो हम बाय करना चाहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 7,000 का, ऊपर में टारगेट 7,800 के रहेंगे। और 7,800 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर सीमेंस का, तो एक और बाय साइड का ट्रेड आप लेकर चले। वैसे आज स्टॉक करीब 100 रुपए के गेंस दिखा रहा है, 7,000 के आसपास का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक के पोर्टफोलियो की, और रूपक ने इनफैक्ट पीएसयूज पर इतना फोकस बनाया हुआ है कि वहीं पर मैक्सिमम रिटर्न्स इनके बने हैं। एनएचपीसी, SJVN और न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और SJVN के ट्रेड को अभी भी होल्ड करें, NHPC में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। नया क्या आएगा अब रूपक? मेरा नया ट्रेड PSU में रहेगा, नया स्टॉक रहेगा RVNL। स्टॉक ने एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को नियर टर्म में, नियर टू शॉर्ट टर्म में 400 तक लेके जा सकता है, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 354 पे। 354 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले जो बियॉन्ड 400 की तैयारी कर रहा है, तो पहला टारगेट 400 पर ही लगाएं RVNL। तो रूपक इनफैक्ट इस हफ्ते पूरी तरह से वो PSU फ्लेवर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इनकी बनी हुई है।